Hello friends, welcome to my channel. So this is Dr. Jatin Jain here. Finally, after clearing my FMG exam, अब मेरी internship Government Medical College Ratlam MP में start हो चुकी है. ये college मुझे counseling के थ्रू allotment हुआ था. So हमारा जो first posting है यहाँ पर वो PSM department में है. तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ कुछ इसके लिए preparation करनी पड़ती है. हमारा जो हमारे जो basic इसमें होना चाहिए कि हमारे apron, हमारा strength और जो जो भी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो हमें फर्स्ट डे के दिन ले जाने होते हैं. वहाँ वेरिफिकेशन करना होता है. सो हम यहाँ से कॉलेज से हमें जो गाइडलाइंस मिली थी उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें PHC पे जाना होता है. सो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, कैसे हम मेडिकल ऑफिसर के अंडर में वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं. नर्सिंग ऑपरेटर भी होता है. तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए. तो आफ्टर ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर्स हम PHC 7 पहुंच गए थे. यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डे था वो बहुत ही अच्छा रहा. हमने एप्लीकेशन वगैरह लिखी और सर से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ. सर ने हमें बहुत सारी गाइडलाइंस बताई. जो जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं वो हमने यहाँ पर जानी और ये बोर्ड के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं. ये जो रूम है वो हमारे सर का रूम है. यहाँ पर पेशेंट आता है और सर से डायग्नोस करते हैं और बहुत सारी PHC भी सुविधाएं होती हैं जो हमें फर्स्ट टाइम हमने देखी और हमें पता चली कि अच्छा ये भी होता है क्या. फिर ये एक रूम है जहाँ पर हम हमारा बैग्स वगैरह रखे हुए हैं और PHC पे हर चीज़ उपलब्ध होती है. जो जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर जनरल वार्ड है, एक डिलीवरी वार्ड है, अलग अलग वार्ड्स बने हुए हैं. इसमें नर्सिंग स्टाफ के अधीन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको. ये जो जनरल वार्ड आप देख रहे हैं इसमें पेशेंट भर्ती होता है. यहाँ पर स्पेशली मदर्स को आयरन सुक्रोज वगैरह लगाया जाता है. ये हमारे नर्सिंग स्टाफ के मेंबर हैं. सो बेसिकली ये लगभग 10-12 बेड का एक जनरल वार्ड बनाया गया है. फिर इसके बाद हमने ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मेसी है. यहाँ पर हम फार्मेसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं. सर जो जो भी दवाइयाँ लिखते हैं हम यहाँ पर पेशेंट को देते हैं. फिर उसके बाद हमने जो हमारा बेसिक फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था वो ये था कि हमने IV लगाना सीखा, हमने IM लगाना सीखा. सर के गाइडलाइंस के अंडर में हमने अलग अलग ट्रीटमेंट को कैसे दिया जाता है वो बहुत कुछ सीखा. सो पेशेंट को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है. फिर ये जो सेकेंड थिंग है ये जो है ये एक मतलब वार्ड है जो स्पेसिफिकली मदर केयर के हिसाब से बनाया गया है. यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर हमेशा रहते हैं और जो जो भी डिलीवरी वगैरह आती हैं वो हमें यहाँ पर इनको देखते हैं, इनको समझते हैं. ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं ये सब मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और ये सब इंटर्न्स हैं यहाँ पर. तो उसके बाद हमने जो फर्स्ट ये मेरा BCG का वैक्सीनेशन जो मैंने किया था बहुत ही अच्छा लगा. और ये जो मैम हमें बता रही हैं ये भी बहुत ही कोऑपरेट उन्होंने हमें किया, बहुत कुछ अच्छा सिखाया. जो भी हम पढ़ते हैं लेकिन जब हम सब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसका एक अलग ही आनंद होता है. फिर हमने सर के द्वारा जो भी हमें मेडिसिन बताई गई पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखना सीखा. हमने सिर्फ ये सब पढ़ा था लेकिन जब हम सब ने प्रैक्टिस किया तो हमें बहुत ही अलग ही फील आया कि हाँ कुछ किया है हमने. उसके बाद फिर जब ये हमारे एक इंटर्न डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट को बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कैसे क्या क्या लिखा है. फिर हमने थोड़ा ये गप्पे शप्पे किए और उसके बाद फिर हमारा जो मेन काम था वो हमने करके फिर शाम को हम यहाँ पर एक आपको बताएंगे कि जो हीमोग्लोबिन और रैंडम ब्लड शुगर जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे किया जाता है. तो हमने सबको पेशेंट को तो कर दिया था लेकिन हम आपस में फिर थोड़ा मज़े के लिए और देखने के लिए रैंडम ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन चेक कर रहे थे. तो हमारे डॉक्टर साहब हमें गाइडलाइन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना होता है. फिर हमने ये फिर ब्लड लिया और एक ही जो मशीन है इसके मशीन के अंदर हम इसमें RBS और हीमोग्लोबिन फाइंड करेंगे. तो ये सब करने के बाद एक अलग ही फील आता है कि हाँ हमने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम जो चाहते थे 5 साल पहले हमने सपना देखा था वो हमने आज पूरा किया. मतलब पेशेंट भी एक रिस्पेक्ट करता है. आप एक वाइट कोट का जो आप पहन के अब जब जाते हो तो एक अलग ही फील आता है. तो ये सब चीज़ें हमें PHC पे देखने को मिली. फिर हमने लास्ट में सर के साथ एक ग्रुप सेल्फी भी ली. तो ये हमारा पूरा ग्रुप है जो 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और ये हमारे दो मेडिकल ऑफिसर्स हैं.
और फाइनली यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।